नमस्कार। मध्य प्रदेश से है इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञापन देने पहुंचे जिला पत्रकार संघ को कलेक्टर ने करवाया इंतजार। पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले में आवेदन देने पहुंचे थे मीडियाकर्मी। नाराज पत्रकार संघ कलेक्टर भवन के गेट पर आवेदन रखकर वापस लौटे। गत दिवस खरगोन के 6 पत्रकार अपने चैनल में कवरेज के लिए बाइट लेने के लिए खनिज अधिकारी से मिलने कार्यालय पहुंचे थे। पत्रकारों व खनिज अधिकारी की बाइट को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। मामला इतना गर्मा गया कि गुस्से में बौखलाए खनिज अधिकारी ने एट्रोसिटी एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत देकर मीडिया कर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराकर पत्रकारों के खिलाफ धाराओं के तहत कार्रवाई करवा दी, जिसे पूरे पत्रकारों में खासा रोष व्याप्त है। चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के अधिकारों का हनन होने से पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके विरोध में जिला पत्रकार संघ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। लेकिन कलेक्टर मैडम ने मीटिंग की व्यस्तता बताकर पत्रकारों को 1 घंटे इंतजार करवाया। हालांकि SDM व अन्य प्रशासनिक अधिकारी बात करने के लिए आए भी, फिर भी पत्रकार चाहते थे कि कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया जाए। कलेक्टर के न आने पर जिला पत्रकार संघ गेट पर ज्ञापन रखकर वापस लौटे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने खासा रोष व्यक्त करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके बताया कि अवैध खनन के खिलाफ पत्रकारों की आवाज़ को दबाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिससे आने वाले समय में देश का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखें किसने क्या कहा। हमारे पत्रकार साथियों के साथ विगत दिनों खनिज अधिकारी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई, उस संबंध को लेकर हमने आज पत्रकार जिला पत्रकार संघ के तले हमने आज सारे पत्रकार लोग जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने गए थे। इसके पहले हमने कलेक्टर महोदय से टाइम ले लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग के जेल की मीटिंग में रहूंगी, उसी जेल की मीटिंग जिससे समाप्त होगी मैं आपसे मिल लूँगी। इस बीच में हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने करीब 1 घंटा उनका इंतज़ार किया, मीटिंग भी समाप्त हो गई। हमने उन्होंने ADM और HDM साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा दिए, वहाँ आए, उनसे हमारी बात की, पता चला कि मैडम दूसरी मीटिंग में लग गई हैं और हम रास्ता देखते रहे। काफ़ी देर तक रास्ता देखा, गर्मी का समय था, हमारे भाई लोग सब परेशान हो रहे थे, अभी आ रही हैं अभी आ रही हैं। न आने पर उनके हमने कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर गेट के ऊपर हमारा ज्ञापन रख दिया और हम भाई लोग निकल आए। क्या मानते हैं आप ये जो प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है मीडिया के साथ? कलेक्टर महोदय ने सोचना था कि इतना बड़ा मीडिया जब आके खड़ा है और मेरी बात हो चुकी थी तो उन्होंने आके अगर ज्ञापन ले भी लेते तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं था और हमारी बात भी सुन ली जाती। मीडिया जिले का प्रशासन के साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा अच्छे भले कार्यक्रमों में प्रशासन की मदद करता है। अब ऐसे विषय में भी अगर प्रशासन हमारा साथ न, हमारी बात को मान सम्मान न रखे तो फिर ऐसे प्रशासन का साथ कैसे दिया जा सकता। पुलिस अधीक्षक से मिले आप, क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़े अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया, हमने जिनसे समय मांगा तत्काल बाहर आए, पूरे जिला मीडिया के साथ उन्होंने चर्चा की, हमारा ज्ञापन भी लिया, हमारे से पूरी बातचीत की और आश्वासन भी दिया कि जो भी सही होगा जांच में पाया जाएगा वो किया जाएगा। हम पुलिस अधीक्षक महोदय की तो तारीफ करते हैं इस संबंध में, ताकि जिला कलेक्टर महोदय ने जिस प्रकार से ये व्यवहार किया है, पता नहीं आप क्या उनकी कारण रहे हो, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, परंतु थोड़ा सा अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता, कोई मीडिया उनके खिलाफ नहीं है और मीडिया उनका हमेशा प्रशासन का साथ देता है। क्या शासन प्रशासन क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारे भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है गलत हुई है, उस FIR को खत्म किया जाए, जो एक्ट लगाए वो गलत तरीके से लगाया गया, उस पर जाँच की जाए। हमारी मांग यही थी कि भाई जाँच की जाए और जांच के अंदर जो भी पाया जाए उस पर कार्रवाई हो। हम ऐसे ये नहीं कहना चाहते कि यार तुम पूरी तरीके से किसी को बख्श दो या किसी का वो भी कर दो कि हमको बिल्कुल बरी कर दो। अगर गलत है तो गलत करो, सही है तो सही करो, बाकी जांच तो करो। क्या नाम है आपका?
सुनील शर्मा, जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष खरगोन। जैसा ही रिपोर्ट आएगी वैसा करेंगे। नहीं, पत्रकारों के साथ ऐसा कहेंगे इन्होंने देंगे। अगर कोई विषय है और आपके द्वारा संज्ञान में आए या किसी अन्य के द्वारा, हम उसको पूरा ध्यान देंगे। खरगोन के पत्रकारों के रिपोर्ट के बारे में मुझे जानकारी मिली है। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूं और जिस प्रकार से देश का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकारिता भाइयों के खिलाफ एफआईआर हुई है, पत्रकार का काम है प्रश्न पूछना और अधिकारियों का काम है प्रश्न का जवाब देना, और इसलिए सुशासन के दिवस पे हम पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसकी पूरी जांच कराएंगे। जांच करने के उपरांत जो भी कानूनी प्रावधान से जो कार्रवाई हो सकती है निश्चित तौर पर हम करेंगे। हम सभी मिलकर एक अच्छा जनता के लिए काम करें, उसके लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ।